बात करते हैं रायपुर की, जहां पे सराफा कारोबारियों पर आईटी की दबिश, कॉस्मेटिक्स के कारोबारियों पर यहां पे दबिश दी गई है, अभी भी जारी है आयकर विभाग की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको राजधानी रायपुर से दे रहे हैं। आयकर विभाग की तरफ से अलग अलग ठिकानों पर ये दबिश दी जा रही है सराफा कारोबारियों और कॉस्मेटिक के कारोबारियों पर, उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आयकर विभाग की तरफ से ये अलग अलग ठिकाने रायपुर के, जहां पे कॉस्मेटिक्स कारोबारियों के ठिकानों के साथ साथ सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर ये दबिश दी जा रही है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, आईटी विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है किन ठिकानों पर और ये कब से इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी तक क्या इनपुट? आयकर विभाग द्वारा ये कार्रवाई जारी है, जिसमें से कॉस्मेटिक्स के जो व्यापारी हैं और उनके और जो सराफा से जुड़े हुए हैं, आभूषण का जो कारोबार करते हैं, इन व्यापारियों के इधर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। और जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उससे ये है कि आयकर विभाग को इस बात की सूचना मिली थी कि आयकर की चोरी की गई है इनके द्वारा, और जो सेल जो दिखाई गई है, जो बिक्री दिखाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं कम बताकर टैक्स की चोरी की गई है। तो उनके तमाम जो है सर्वे के रूप में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उनके जो बिलिंग है उनको मैच किया जा रहा है कि कितनी यहाँ पे आयकर की चोरी है। हालांकि आयकर विभाग द्वारा जितनी भी रेट की कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसके बारे में आयकर विभाग किसी भी तरीके की कोई सूचना जारी नहीं करता है। तो सिर्फ जो जानकारी निकल कर आई कि आयकर विभाग की कार्रवाई अभी भी चल रही है और सुबह इन ठिकानों पर टीम पहुंची थी और उसके बाद से सर्वे की कार्रवाई चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि कितने करोड़ रुपए की ये चोरी की गई है। फिर रायपुर के दो तीन ठिकाने हैं अलग अलग व्यापारियों के जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। जी जाहिर सी बात है, इस कार्रवाई के दौरान हर एक चीज को बेहद कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जुल्फिकार, क्या ये कार्रवाई सिर्फ राजधानी रायपुर में हो रही है या फिर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों में भी? अभी तक की जो जानकारी मिली है ये कार्रवाई रायपुर के अलग अलग ठिकानों में हो रही है और अभी तक इसका, जैसा कि कुछ चर्चाएं हो रही थी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि इनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी समझ में नहीं है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर देखें तो पहले जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर ईडी और आईटी की रेट होती थी तो इस बात को लेकर बातें सामने आती थी कि कहीं ना कहीं उन व्यापारियों के पॉलिटिकल कनेक्शन होते थे या पॉलिटिकल लोगों के इधर ये कार्रवाई होती थी। लेकिन ये कार्रवाई अभी जिस तरीके से दिख रही है उससे ये है कि व्यापारिक जो पृष्ठभूमि वाले कारोबारी हैं उनके आवास पर ठिकाने हुए हैं और जो इनको सूचनाएं मिली हैं वो ये है कि इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं चोरी की गई है, गड़बड़ी की गई है, उस आधार पर ये कार्रवाई चल रही है। जी जुल्फिकार, कितना समय हुआ है इन्वेस्टिगेशन को लेकर और जिन ठिकानों पर, जिन कारोबारियों की यहाँ पे दबिश चल रही है, कौन लोग है, क्या इनका बैकग्राउंड है? ये कार्रवाई सुबह से चल रही है और एक खबर ये भी है कि कुछ जो इनकम टैक्स की अलग अलग टीमें हैं बाहर से भी आई हैं वो कल शाम को रायपुर पहुंची थी और उसके बाद जैसे कि ईडी की कार्रवाई हो या दूसरी कार्रवाई हो तो जनरली ये देखने में आया कि सुबह के वक्त जब व्यक्ति सोता रहता है उस दौरान ही इनकी पूरी टीम जो है ना वहाँ पे दबिश देती है और जितने भी सदस्य मौजूद रहते हैं उनके मोबाइल फोन को जब्ती बना ली जाती है ताकि वो किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए। तो उस लिहाज से ये देखे तो कार्रवाई जिन व्यापारियों के अंदर चल रही है। ठीक है जुल्फिकार, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।